झुंझुनू से एक तस्वीर सामने आ रही है जो आपको भी चौंका देगी। जी हाँ, पुलिस के कांस्टेबल को महिला ने थप्पड़ जड़ा है। दरअसल मामला मारपीट से जुड़ा हुआ है। गुड्डा गोरजी थाना इलाके के गुड्डा ढहर गांव की ढाणी कुतकपुरा में 2 दिन पहले यानी पहले पानी के कनेक्शन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई थी। इस मामले में पूरणमल ने गांव के मूलाराम सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। मामले में पुलिस ने मूलाराम को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इसी मामले में कल गुड़ा गोरजी पुलिस थाने के ASI विनयपाल, कांस्टेबल सुरेश और गाड़ी चालक अंकित ढाणी पहुंचे और उन्होंने परिवादी पक्ष से बातचीत की, लेकिन इसी दौरान दोनों पक्षों में गर्माहट हो गई। पुलिस ने पूरणमल की पत्नी ललिता को गाड़ी में बैठा लिया, लेकिन ललिता ने कांस्टेबल सुरेश को थप्पड़ मारा और फिर मारपीट की। मामला बिगड़ते देख ASI विनयपाल ने गांव के लोगों के सामने हाथ जोड़े और जाने का निवेदन भी किया, लेकिन फिर भी महिला ललिता नहीं मानी। मामला बिगड़ते देख पुलिस ने भागकर अपनी जान बचाई। इस सारे घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो गया है। वहीं मामले में गुड्डा गोरजी पुलिस थाने में महिला सहित अन्य के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने का मामला भी दर्ज कर लिया गया है। थाना में जाके मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमा दर्ज करवा के मैंने थाना से मुकदमा दर्ज दखादुमी से किया। दखादुमी से कर मुकदमा और मेरे को भेज दिया। फिर वापस फोन किया तो मैं बुलाया फायर की सेंटर जा बड़े सेंटर। मैं फिर SP के पास में चले गया, कलेक्टर जी के पास में चले गया। कलेक्टर जी के पास में जाके मैंने कलेक्टर जी से मिला। कलेक्टर जी से FIR की 2 कॉपी और एप्लीकेशन की दोनों की दिया है। वन अब ले जाओ, कानून कार्रवाई हो जाएगी थारी। फिर उंधू आ गई जब रात को। फिर मेरे से उंधू अभी रात को आई उनकी जबरन से कुआड़ा के धक्के मारे, लात मारे कि जान को ख़त्म करेंगी, नहीं राजीनामा कर लो, तुम्हारी बच्चियों को उठा के ले जाएंगी और राजीनामा कर लो। नहीं मैंने कुआड़ नहीं खोला, आग लगा ली, फिर चले गए। फिर वहाँ पर सुबह तो मैं घर पर वो ही वारदात। फिर आज मुझे सुबह हो गई, मैं तो घर पर नहीं था और मेरी मैसेज और मेरा टाबर, मेरी माता उनको दे दे के बना के उसको आदत बिगाड़ दी। और फिर थाना में गुड्डा थाना में फोन किया तो थाना की गाड़ी आई। गुड्डा थाना से फोन किया तो गाड़ी आई। गाड़ी आके मुजरिम रोता रोता मेरा मुजरिम को लेके वापस वहाँ मिल गई। और मिलते ही क्या बतलाया क्या नहीं बतलाया, लेके नहीं आया। और वहाँ मेरे टाबरी 1 किलोमीटर पर ही था और वहाँ रोड पर बार गालता आ गई। और वहाँ पर फिर भी वहाँ से पुलिस वाला ने मेरे तो गिरने लगे तो मैं तो उतर आया और मेरे घर वाली को घसीट के गाड़ी में गिरने लगा। तो फिर जोराम जी से कुछ कांड हो जाता, पड़ जाती थाती मर जाती तो उसका क्या जिम्मेदार है। हमारे साथ ये न्याय नहीं हुई तो हम भी पेट्रोल गिर के पेट्रोल डाल के और आग लगा लेंगे। ये बात कलेक्टर जी को भी कह दी और बस काके ससुरो मन मारपीट करी। मन घीसने लगी टंकी पे और मैं कपड़ा धोरी मन ले घीसर लेगा बाप और बेटा। और पामे रोती रोती स्टैंड पे आ गई बरजी स्टैंड पे। अरे गाठिया पापुलिस आई और पापुलिस आई बांध तो छोड़ आई और मन मेरे पति ने पकड़ घीसने लगी। मन गाड़ी में गिरने लगी आई। जे न्याय ने करी तो पेट्रोल गिर हम जरेंगे। कल दिनांक 2 अगस्त 2019 को दोपहर को सूचना मिली थी कि गुड़ा डहर में परिवादी पूरन सैनी के साथ उसका चाचा भोलाराम सैनी गाली गलौज व झगड़ा कर रहा है। जिस इतला पर पुलिस पार्टी गुड़ा डहर गई, वहां जाकर के इतला झूठी मिली तो पुलिस पार्टी द्वारा पूछा गया कि भाई आरोपी भोलाराम का घर कहाँ है। तो भोलाराम को वहाँ तलाश किया, भोलाराम उपस्थित नहीं मिला, जिस पर पूरणमल सैनी जिद करने लगा, गाड़ी के आगे लेट गया तथा पत्थर डाल दिए गाड़ी के आगे, कहने लगा कि इनको सबको गिरफ्तार करो और जेल भेजो, उसके बाद ही पुलिस को जाने देंगे। जिस पर पुलिस की टीम के साथ महिलाओं व पुरुषों द्वारा मारपीट की गई व धक्का मुक्की की गई है, जिस पर FIR दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।